और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, ये किसकी ज़बान पर नाते नबी थी। अभी 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 हजरत माशाल्लाह अभी आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुन रहे थे और हमारे दिल भाई आप लोगों के नजरों के सामने मौजूद थे। अब आइए, अब मैं सीधे सीधे अजीजम अल्ताफ शौकत धनबादी, अल्हम्दुलिल्लाह जो धनबाद से निकल करके इस वक्त पूरे सुबह झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार और बंगाल का भी सफर कर रहा है, आइए मैं उनसे अदबन गुजारिश करूंगा। बस एक शेर पढ़ करके मैं सीधे सीधे आपके हवाले कर रहा हूँ कि जवाब न मिले ऐसा सवाल हो जाओ, जवाब न मिले ऐसा सवाल हो जाओ, खुदा का जिक्र करो बेमिसाल हो जाओ, जवाब न मिले ऐसा सवाल हो जाओ, खुदा का जिक्र करो बेमिसाल हो जाओ, और जमाना क्या तुझे देगा ये खुद सवाली है, दरे नबी पे चलो माला माल हो जाओ। आइए दोस्तों, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद कलीम अंसारी साहब, मोहम्मद सिराज अंसारी साहब और उनके भाई जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। आइए बहरहाल तमाम हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए दोस्तों, अब सीधे सीधे एक मतला और चंद शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाले। इरशाद होता भाई देखिएगा, करिए अदब न बोलिए कुछ भी जबान से, क्या कहना है, करिए अदब न बोलिए कुछ भी, करिए अदब न बोलिए कुछ भी जबान से, कुछ भी जबान से, करिए अदब न बोलिए कुछ भी जबान से, के करिए अदब न बोलिए कुछ भी जबान से। सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत उम्दा, करिए अदब न बोलिए कुछ भी जबान से, कुछ भी जबान से, कुछ भी जबान से, प्यारे प्यारे नबी की बातें सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे हो बाबा बाबा बहुत खूब, सुभान अल्लाह बहुत उम्दा बहुत उम्दा माशाल्लाह, अदब न बोलिए कुछ भी जबान से, करिए अदब न बोलिए कुछ भी जबान से। इरशाद होता तवज्जो चाहता हूं पेश करता हूं मुलाजम फरमाले, इरशाद होता के रब ने बनाया अल्लाह अल्लाह को आका का खिलौना, क्या कहना, तवज्जो चाहता हूं देखिएगा, के रब ने बनाया चांद को आका का खिलौना, आका का खिलौना, रब ने बनाया चांद को आका का खिलौना, आका का खिलौना, के रब ने बनाया चांद को आका का खिलौना। चांद को आका खिलौना, आका खिलौना, आका खिलौना, अरे बचपन में खेलते हैं नबी आसमान से, क्या कह रहे हो बाबा 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 खूब, सुभान अल्लाह बहुत उम्दा, अदब न बोलिए बहुत उम्दा, कुछ भी जबान से, प्यारे नबी के बातें सुनिए ध्यान से, प्यारे नबी के बातें सुनिए ध्यान से, बहुत उम्दा माशाल्लाह। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमा लें, इरशाद होता मत रोइए
लाला मैं बकरी छोड़ा लाऊंगा जा कर छोड़ा लाऊंगा जा कर के मत रोइए मैं बकरी छोड़ा लाऊंगा जा कर छोड़ा लाऊंगा जा कर के मत रोइए मैं बकरी छोड़ा लाऊंगा जा कर करिए अदब न बोलिए कुछ भी जबान से करिए अदब न बोलिए कुछ भी जबान से बहुत जिम्मेदारी के साथ पेश करता हूं इरशाद पेश करता हूं बतौर खास खुलासा फरमाले इरशाद होता करिए अदब न बोलिए कुछ भी जबान से ईमान तेरा खतरे में है जाग जाता अल्लाह 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 क्या कहना है जाग जाता अरे बोलते एक मतलब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ईमान तेरा खतरे में है जाग जाता जाग जाता ईमान तेरा खतरे में है जाग जाता सुभान अल्लाह बात हो ईमान तेरा खतरे में गए जाग जाता हाँ जाग जाता जाग जाता ये वक्त नहीं सोने का है इत्मीनान से क्या कह रहे हो बाबा बात सोने का है सुभान अल्लाह बात हो ये वक्त नहीं सोने का है इत्मीनान से करिए अदब न बोलिए कुछ भी जबान से भाई हाजरी और एक मुकम्मल लाते पाक पेश करता हूं बतौर खास मुलाजम फरमा ले इरशाद आता हो बहुत अच्छा कि दोनों आलम दोनों आलम कि दोनों आलम देखिएगा सलीम साहब कि दोनों आलम दोनों आलम में जिसका इश्क बेमिसाल है बोलते सुभान अल्लाह दोनों आलम में जिसका इश्क बेमिसाल है इश्क बेमिसाल है दोनों आलम में जिसका इश्क बेमिसाल है के दोनों आलम में जिसका सुभान अल्लाह बात हो माशाल्लाह दोनों आलम में गए जिसका इश्क पे मिसाल है दोनों आलम में जिसका इश्क पे मिसाल है मुस्तफा का प्यारा वो मुस्तफा का प्यारा हजरत पे लाल है क्या कहने हैं बाबा बाबा सुभान अल्लाह बात हो माशाल्लाह बात हो मुस्तफा का प्यारा हजरत बिलाल है बिलाल है हजरत बिलाल है बहुत और ये शेर तमाम उलमा इकराम के हवाले से पेश करता हूं
بطور خاص ملاحظہ فرمانے ارشاد ہوتا بطور خاص دیکھیے گا ارشاد ہوتا کہ جس کے صدقے میں پوری اللہ اللہ کائنات غیب بنی کیا کہنا ہے بات ہو ایک مرتبہ نبی کے نام پر دونوں ہاتھ کو اٹھا کے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جس کے صدقے میں پوری جس کے صدقے میں پوری کائنات غیب بنی کائنات غیب بنی جس کے صدقے جس کے صدقے جس کے صدقے میں پوری کائنات غیب بنی کہ جس کے صدقے میں پوری سبحان اللہ بات ہو جس کے صدقے میں پوری کائنات غیب بنی جس کے صدقے میں پوری کائنات غیب بنی عبداللہ کا بیٹا وہ عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا لال کیا کہنا ہے واہ 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 بات خوب سبحان اللہ زندہ باد نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان رسالت زندہ باد بہت عمدہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ ہمارے بڑے بھائی دل خیرہ وادی صاحب پھر پڑھنے کو بول رہا ہے شاید میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے جو اس ناچیز طالب علم کو اپنی دعاؤں سے نماز رہے ہیں بہت بہت شکریہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازم فرما لے ارشاد ہوتا ہو وہ عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا لال ہے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات گئے بنی کائنات گئے بنی جس کے صدقے میں پوری کائنات گئے بنی کہ جس کے صدقے میں پوری جس کے صدقے میں پوری کائنات گئے جس کے صدقے میں پوری کائنات ہے بنی وہ عبداللہ کا بیٹا وہ عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا لال ہے کیا کہنے ہے بابا 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 بہت عمدہ سبحان اللہ کا لال ہے آمینہ کا لال ہے وہ عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا لال ہے ارشاد ہوتا ارے سلیم صاحب آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملازم فرمالے ارشاد ہوتا ذات نبی ہے دنیا اللہ اللہ دیکھو ذرا کیا کہنا ہے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ ذات نبی ذات نبی ذات نبی دنیا واگلو دے گزرا واگلو دے گزرا کے ذات نبی یہ دنیا ذات نبی یہ دنیا واگلو دے گزرا ذات نبی یہ دنیا واگلو دے گزرا کے منتظر میں رب ذوالجلال ہے کے منتظر میں باپ ہو ماشاءاللہ ذوالجلال زندہ باد زندہ باد کیا کہنا کے منتظر میں رب ذوالجلال ہے وہ عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا لال ہے پیش کرتا ہوں ملازم ارشاد آتا ہو
एक दूजे को सभी जब अल्लाह अल्लाह भूल जाएंगे उस दिन क्या कहना है एक दूजे को सभी जब भूल जाएंगे उस दिन भूल जाएंगे उस दिन एक दूजे को सभी जब भूल जाएंगे उस दिन के एक दूजे को सभी जब एक दूजे को सभी जब भूल जाएंगे उस दिन एक दूजे को सभी जब भूल जाएंगे उस दिन सरकार दीन को सरकार दीन को मत का ख्याल सरकार दीन को मत का ख्याल है वो अब्दुल्ला का बेटा अमीना का लाल है वो अब्दुल्ला का बेटा अमीना का लाल है खास मुलाजा फरमा ले इरशाद आता मेरे उम्मत का एक एक अल्लाह अल्लाह फर्द जाए जन्नत में क्या कहना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे उम्मत का एक एक मेरे उम्मत का एक एक फर्द जाए जन्नत में फर्द जाए जन्नत में मेरे उम्मत का एक एक मेरे उम्मत का एक फर्द जाए जन्नत में मेरे उम्मत का एक फर्द जाए जन्नत में महबूबे के बेरिया का महबूबे के बेरिया का इतना सवाल है महबूबे के बेरिया का इतना सवाल है आइए दोस्तों वक्त इसलिए मैं मकतब पेश करके अपने जगह ले रहा हूँ बतौर खास मुलाजम फरमाने इरशाद आता वो अब्दुल्ला का बेटा अमीना का लाल है तवज्जो चाहता हूं सारे सलीम साहब जी जी इरशाद आता बतौर खास मुलाजम फरमाने कि मेरी क्या हैसियत थी अल्लाह अल्लाह दुनिया क्या कहना है मेरे हैसियत थी मेरे क्या हैसियत थी दुनिया में अलता दुनिया में अलता के मेरी क्या हैसियत थी मेरे क्या हैसियत थी दुनिया में अलता मेरी क्या हैसियत थी दुनिया में अलता अरे मैं जो इस रंग में आया मैं जो इस रंग में आया उनका ये कमाल है जो इस रंग में आया बहुत उम्दा उनका ये कमाल है मैं जो इस रंग में आया कहीं कमाल है वो मुस्तफा का प्यारा हजरत बिलाल